बारिश स्टार्ट हो गई। गुड मॉर्निंग एवरी वन। सो कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम रूपा, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मेरे मायके, और वो क्यों जा रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। आज है दसवां, जो जैसे आप लोग जान रहे हैं, अगर मेरे रेगुलर ब्लॉग अगर आप लोग देख रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा क्यों मैं ये बोल रही हूँ। तो आज चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है जैसे 10 को बहुत नेक नियम होते हैं, तो हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलता है घर पे। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके यहाँ घर में खाना नहीं बन रहा तो आप बाहर से कुछ मंगा के नहीं खा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बाहर से मंगा के खा सकते हो, बट जो पूर्वजों ने नियम रखा है कि उस दिन चूल्हा नहीं जलना जिस दिन डेथ होती है और जिस दिन दसवें होते हैं, और बीच में किसी किसी दिन भी नहीं जलते हैं चूल्हा, तो उस चीज़ को मानना पड़ता है। ऐसे तो हम नहीं छोड़ सकते हैं ना उन चीज़ को, मतलब लेके चलना पड़ता है, साथ साथ में चलना पड़ता है। तो इसीलिए हम इसीलिए गए थे मेरे मायके, और वहाँ से हम खा पी करके आए हैं, और दीदी ने भी नाश्ता भिजवाया था, और सशी खाने के लिए भी वहीं गए थे। तो दीदी भी इधर से हैं, मेरा मायके भी नज़दीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। दीदी भिजवा देती है, मम्मी भी है, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है खाने पीने में, कभी ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ तो। और जैसे मैं यहाँ पे बैठी ना शूट करने के लिए, वैसे ही स्टार्ट हो गई बारिश। बारिश स्टार्ट हो गई, कब मौसम क्या हो रहा है रांची घुटी का समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब रेगुलर बारिश हो रही है रामनवमी, इसी चक्कर में थोड़ी सी खराब भी हो गई, बट फिर भी राम भक्तों की तो रुकनी नहीं थी झांकी, उन्होंने फुल एंजॉय किया, झांकी भी निकली बहुत अच्छे से हुई रामनवमी। बारिश में लोग भीग भीग के सारे झांकी वाकी निकले, और सब चीज़ हुआ भीग भीग के ही हुआ, बट हुआ अच्छे से हुआ। बट अब इरिटेशन हो रहा है यार, लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, और ठंडा हल्का हल्का शाम में सुबह में ठंडा लग रहा है, तो गर्मी वैसा कुछ लग नहीं रही है। लेकिन 1 अप्रैल हो गया और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, अब थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है। लिटरली डेली शाम में बारिश हो रही है। सो बाहर देखिए मौसम का हालत क्या हुआ है, पूरा काला बादल छाया हुआ है। अभी बज रहे हैं 5 और लग रहा है कि रात हो गया, मतलब 6 बज गए, 6:30 बज गए ऐसा लग रहा है। और कब क्या मौसम हो जा रहा है ना, यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब सुना था बाहर के मौसम चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ के भी खुटी के भी मौसम का कुछ अता पता नहीं है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड 1 दिन की आउटिंग में जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये जा रहे थे और मेरा डुगू सो रहा था, तो मैं उसके साथ लेटी हुई थी। मुझको हक करके सोता है, तो थोड़ी देर मुझे उसके साथ लेटना पड़ता है, मैं उठ जाती हूँ तो वो भी उठ जाता है। तो बस ये रेडी हो गए निकलने के लिए, और बस एक सेट कपड़ा इन्होंने कैरी बैग में डाला है, और क्रॉक्स लेकर के जा रहे हैं। ये कभी भी जाते हैं ना बाहर तो क्रॉक्स ज़रूर पकड़ते हैं, क्योंकि इनको ड्राइविंग करने में ईजी होता है। अगर गर्मी लगती है तो ये अपने शूज़ उतार के क्रॉक्स पहन लेते हैं। और अब मेरा डिनर प्रिपेयर करने का टाइम हो गया है, तो दिन भर खाना नहीं बना है, और शाम में सारे जो भी नियम होते हैं दसवें के दिन वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद चूल्हा जलाना अलाउड होता है। तो यहाँ पे मैं चावल ही बना रही हूँ, क्योंकि दिन भर लोग अच्छे से खाए नहीं, हम तो खा लिए थे बट माँ बाबा लोग नहीं खाए थे, बट शाम में रोटी वोटी खा लिया था उन्होंने, तो चावल वगैरह आज नहीं खाया उन्होंने। तो मैं शाम में चावल ही बना रही हूँ, और छोटे वाले चावल बना रही हूँ, अरवा चावल, और एक सब्ज़ी बनाऊँगी, मसाले वाली चटनी बनाऊँगी, और आलू की भुजिया बनाऊंगी। Thank you.
आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने जैसे मिक्सी ऑन किया मसाले पीसने के लिए, वैसे ही ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई। सो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट इसलिए हुई क्योंकि मैंने लास्ट यूज़ के बाद इसको अच्छे से ऑफ नहीं किया था। इसका जो ऑन ऑफ वाला जो सिस्टम है वो एक नंबर पर चालू रह गया था, जैसे ऑन किया वो स्टार्ट हो गया एकदम से, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो ये गलती हो गई थी मेरे साथ, मतलब ये गलती थी, वो करनी नहीं चाहिए। कभी भी मसाले इधर फेंका जा सकते हैं और अचानक करंट वरेंट भी लग सकता है, तो अच्छे से ऑफ ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे मैं पूछ रही थी गैस को, और ये मेरा बहुत गंदा आदत है, जब भी गैस में कुछ चढ़ा हुआ रहता है ना और मुझे तभी ही पूछना रहता है, और मैं इस वजह से काफ़ी बार जल चुकी हूँ, अपने हाथ में दाग भी हो गए हैं, बट फिर भी आदत से मजबूर हूँ और पूछती हूँ और जलती भी हूँ। सो आज के ब्लॉग को यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइफ वॉचिंग।